कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे हैं साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। ये लड़ाई किसी बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी और वो फिर निकली नहीं, ताकत जीते हुए को हरा दिया। कितने वोट से हारे? 203 वोट। जो जीते हुए थे वो हार गए। और बाद में आपको पता होगा ऑडियो वायरल हुआ था बीजेपी के किसी नेता का, क्या वो ऑडियो फर्जी था क्या? ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक बाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था। ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई सरकार अपनी कमियों, अपने भ्रष्टाचार और घपलों को छुपाने के लिए कर रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे बिजनौर तो भाजपा पर जमकर बरसते नजर आए। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि हिटलर शाही, हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा से ही घुसी थी और वो ताकत फिर निकली नहीं। इसलिए जनता को सावधान रहना पड़ेगा लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। इस बार आपको मतदान करना होगा। भाजपा ही नहीं, उन्होंने बसपा को भी जमकर आंखें दिखाई। चुनावों में प्रशासन द्वारा बेईमानी की बात भी कही। विधानसभा चुनाव में प्रशासन और बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था, क्या उससे आप लोग वाकिफ नहीं हैं? हमारे धामपुर के प्रत्याशी नईम उल हसन खड़े थे, जीते हुए को हरवा दिया। नमस्कार दोस्तों, सूचना क्रांति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीलेंद्र कुमार। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करने को लेकर कहा। यादव यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि पिछले साल हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रशासन ने मिलकर विपक्ष के जीत रहे उम्मीदवारों को बेईमानी से हरवा दिया था। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में देश के लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा। सपा मुखिया ने धामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े नईम उल हसन का जिक्र कर बताया कि 203 वोट से जीत रहे हसन को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि चुनाव के दौरान एक भाजपा नेता का ऑडियो भी प्रसारित हुआ था। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आने पर ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करवा कर देखा जाएगा कि चुनाव के नतीजों में प्रशासन का कितना इंटरफेयर था। प्रदेश सरकार द्वारा माफिया तत्वों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि पता चला है कि वाराणसी में ही भाजपा नेताओं के 20,000 से ज्यादा अवैध भवन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बरेली में प्रशासन ने सपा विधायक साहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप तोड़ दिया, मगर वहां भाजपाइयों के अवैध नर्सिंग होम और पेट्रोल पंप हैं, जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सपा प्रमुख ने सवाल किया कि प्रदेश सरकार अपनी पार्टी के इन अवैध कब्जों पर कब बुलडोजर चलाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बुलडोजर के सहारे विपक्ष पर हमला कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि LIC और SBI का धन डूब गया, लेकिन केंद्र सरकार अपने भ्रष्टाचार और घपले छिपाने के लिए CBI, ED और आयकर विभाग को हथियार बनाकर विपक्ष पर हमले कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की अवैध इमारतों पर बुलडोजर कब चलेगा। वहीं बसपा को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बसपा भाजपा को हराना नहीं चाहती, उसका लक्ष्य सपा को हराना है। बसपा के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम के दिखाए गए रास्ते को भूल गए हैं। अब जनता को सावधान रहना पड़ेगा लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए। इस बार चुनाव में सबको मतदान कर सपा को मजबूत करना होगा। पूर्व CM ने सोमवार को बिजनौर के धामपुर में दिवंगत सपा नेता शेर अली के घर पहुंचकर शोक संवेदना भी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बनारस में 20,000 से ज्यादा भाजपा की अवैध इमारतें, उन पर बुलडोजर कब चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, महंगाई चरम पर है, गन्ने का रेट अभी तक नहीं बढ़ा, नौकरी मांगने पर बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, भाजपा सरकार बदले की भावना से लोगों पर कार्यवाही कर रही है, वहीं विपक्ष के लोगों पर ED से छापेमारी कराई जा रही है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने घपलों को छिपाने के लिए विपक्ष पर और पत्रकार साथियों का साथ लेकर के कि कैसे उनके अपने मुद्दे दब जाएं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा पत्रकार नहीं था, एक सामान्य पत्रकार ने केवल ये पूछ लिया विकास और योजनाओं को लेकर के जो वादे किए थे पूरे किए कि नहीं किए, उस पत्रकार को पता लगा जेल भेज दिया। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा ने जो खालिस्तान समर्थन की बात की है कि उनका होना चाहिए, इस बहस में मत जाइए। मैंने आपसे कहा हमारा आपका सवाल ये है कि चरम सीमा पर महंगाई वो कम होगी कि नहीं होगी। अभी तो आप ये पूछ रहे हो, फिर आप टाकू सुल्ताना पे सवाल क्यों नहीं पूछते।